हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और देख सकते हैं अभी हो रही है छठ पूजा की, ये खरना की है तैयारी। तो ये मेरी मम्मी है और मैं तो नहीं गई थी वहाँ पे मायके में, लेकिन वहाँ से मैंने वीडियो क्लिप मंगवाए थे। सो वीडियो मंगवाने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सो सॉरी। और ये पूजा छठ पूजा हो रही है खरना की रात में। पहले तो एक दिन नहाए खाए होता है, उसके नेक्स्ट डे पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम में ये रोटी और खीर बनता है और इसी के साथ पूजा की जाती है। फिर देख सकते हैं ये अब इसी तरीके से जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से पूजा की जाती है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जगह जगह पे भी डिपेंड करता है, लेकिन लगभग पूजा इसी तरीके से होती है और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये पूजा की जाती है। ऐसे तो हर पर्व को बहुत श्रद्धा से किया जाता है, लेकिन ये जो छठ पूजा है इसमें कोई गलती भूल चूक कुछ बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ इस पूजा को करना पड़ता है। सो बने रहिए पूरे वीडियो के लास्ट तक, आप लोग को देखने को मिलेगा कैसे कैसे पूजा हो रही है और नेक्स्ट जो सुबह में घाट पर जाते हैं वो सब तैयारी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भगवान करे सभी पे हमारी छठ माता कृपा बनाए रखे और हम सब पे। तो इस तरीके से दीप जलाया जाता है और अब पूजा लगभग हो चुकी है। तो मम्मी यहाँ पर अब पहले खाना खीर और रोटी खाते हैं, केला मूली के सब ये सब खाते हैं, नमक की वाली चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो आप देख सकते लो हैं तुम इसको पकड़ो, नेक्स्ट मॉर्निंग का है, नहीं नेक्स्ट शाम का ये है, उसके बाद नेक्स्ट डे शाम को ये लॉग है जब अर्घ दिया जाता है। ढोल ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जैसे कि हम हर एक चीज़ में उगते हुए चीज़ को बढ़ते हुए चीज़ को प्यार देते हैं, उसी तरीके से हम इस पूजा में मतलब हमें सबकी कदर करनी चाहिए, उगते हुए की भी और डूबते हुए की। मतलब हम जो लोग समाज में थोड़ा नीचे ही रह जाते हैं उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत जगह देखा जाता है ऐसा, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आगे बढ़ चुके हैं उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, जो पीछे रह गए हैं उनको भी इज्जत देनी चाहिए कि वो मेहनत करके आगे बढ़ सके। तो इसी तरीके से सूर्य भगवान डूब रहे हैं अभी शाम के टाइम में, तो उन्हीं को अर्घ दिया जाता है। इस तरीके से आंचल है, ये मम्मी है मेरी बहुत प्यारी थी और ये मतलब मैं बहुत मिस कर रही थी, नहीं गई इस वजह से, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी दूरी है ना मायके की। और अभी आई ही थी जस्ट 15-20 दिन दीपावली से थोड़ा पहले, तो इस वजह से नहीं गई। सो इस तरीके से अर्घ दिया जाता है और देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके बाद ना अभी कितनी सुंदर लग रही है ना घाट। ये ना घाट पे हम लोग नहीं मतलब मम्मी लोग नहीं गई थी क्योंकि अभी इतनी बारिश हुई है, आप लोग को तो पता ही है कि, तो वहाँ पे अभी ठीक नहीं था जाना इस वजह से। तो अभी ये फिर उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, सुबह में जब सूरज भगवान उगते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। तो फिर उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं उसी तरीके से फिर से होगा। और इस टाइम में जल दिया जाता है, जैसे हम लोग भी नहाए धोए हैं तो उस पर सूप जैसे अर्घ दिया जाता है, तो उस पर हम लोग जल दे सकते हैं सुबह के टाइम में। शाम के टाइम में नहीं देते, सुबह के टाइम में देते हैं। शाम के टाइम वाले में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं अभी। तो ये दीदी है, भाभी भी थी उधर, ये दीदी भी है, तो यही अभी अर्घ दे रही है और इस पर थोड़ा सा जल दिया जाता है। और जब अर्घ दे दें तो इसको हटा के, और उसके बाद हम फिर गंगा माता जो होती हैं, गंगा माँ, उन वो सात बहन हैं तो उनको उनकी पूजा फिर उसके बाद की जाती है अर्घ देने के बाद। तो सात बहन हैं गंगा मैया, तो उनको सात जगह पे इस तरीके से टिक दिया है मम्मी ने, और उस पर जो कहते हैं ऐपन होता है और सिंदूर होता है ये सब चढ़ा के, फल केला ये सब जो श्रद्धा हो फल फूल ये सब चढ़ा देते हैं।
सो इसी तरीके से देखिए, हाँ यहाँ पे फल पूरा चढ़ गया है और उसके बाद फूल वूल जो भी हो वो चढ़ा देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मतलब क्या बोलो, थोड़ा अक्षत डालते हैं और उसके बाद पानी से जल होता है उससे अरपते हैं, तो 5 बार इस तरीके से अरपा जाता है। और ये पूजा हमारी छठ पूजा अब इसी के साथ संपन्न हो चुकी है। और अब कपड़ा बदल के और इसके बाद ये सारी प्रसाद जो है वो अंदर को जाता है। और ये दीदी का बाबू है, भैया है, सब है, तो अंदर में यहाँ पे सबको पूजा प्रणाम कर लिए हैं। सो वीडियो को एंड कर देते हैं यहीं पे, इससे ज़्यादा मेरे पास क्लिप नहीं थी वीडियो की।